ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की रेनबो फोटो एडिटिंग। सो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को, हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, आप सभी को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको करना है क्या, फिर आप सबको जाना है ऐड फोटो में, गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को लेना है। एंड गाइस मॉडल का जो साइड होगा आपको गाइस कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है? अगर इस साइड में होगा तो ठीक है, वरना आप रोटेट कर लेना। देन गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस अभी आपको मॉडल को ऐड करने के बाद डन नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें अपने मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है एंड इसको रखना है सेम साइज में। देन गाइस आपको अपने मॉडल को यहाँ से लेके जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाला ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में। कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको हमें मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, आपको इसका अमाउंट जो जीरो कर देना है। एंड जो गाइस अमाउंट जीरो कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है, उसके बाद इसको आपको मर्ज कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ पे कलराइज में जाके आपको इसको पिंक कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आपको पिंक कलर जो आपको ईजिली मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके उसको यहाँ पे डन कर देना है। देन गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। देन गाइस आपको फोटो को जूम करके आपको जाके सिंपली यहाँ पे आपको एक रिम लाइट क्रिएट करनी है। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। एंड गाइस रिम लाइट क्रिएट होने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे गाइस इसका एक मतलब कि आपको उसका एक डुप्लीकेट बना लेना है अभी, तो ठीक है? तो इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। अगर आपको उसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो, अदरवाइज अगर आप डुप्लीकेट बनाने के बाद अगर आपका उसका जो ओपेसिटी ज़्यादा लगता है तो गाइस आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओपेसिटी इसकी। एंड इतना कर देने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए हमारी रिम लाइट एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। अब गाइस यहाँ पे जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से लेना आप सभी को ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको लेने के बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है। गाइस जाना रिजल्ट रूम में, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ शेडो बनानी है। तो गाइस हम शेडो फटाफट से बनाते हैं एंड आगे का प्रोसेस आप सभी को मैं बताता हूँ। सो गाइस आपकी शेडोज बनने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग रखना कि मतलब उस पता ही होगा गाइस शेडो जो हमारी कितनी होनी चाहिए। फिर इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको जाना है यहाँ से आपको इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ से जाना आपको ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे सेकंड थर्ड लास्ट से जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपको ये लेंस ब्लर का, आपको सिंपली इसको लेना है। एंड उसके बाद गाइस उसकी लाइटनेस होगी वो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले 30 के आसपास रख के देखना है, ठीक है? फिर उसके बाद जिसका ये होगा रेडनेस आपको गाइज इसको आपको कुछ रखना है अराउंड 10 तक, ठीक है? एंड गाइज उसके बाद आपको रिजल्ट रूम में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ठीक है? फिर ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको गाइज नीचे की तरफ से जो है यहाँ पे आपको ब्लर करना है, ठीक है गाइज कुछ इस टाइप से। तो गाइज इसकी जो लाइटनेस है ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो बट कोई नहीं, हम इसको एडजस्ट करते हैं अभी यहाँ पे। तो इसके जो इसको हम रखते हैं अराउंड 12 तक, ठीक है? तो इतना परफेक्ट है, यहाँ पे कर देते हैं डन। सो गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे कर लेना सेव, ठीक है? तो अब इसको सेव करते हैं एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम मैप में। लाइट रूम मैप में ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस आपको उसको थोड़ा बढ़ाना है। हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा कम करना है। शेडो जो है इसको भी थोड़ा कम करना है। एंड जो वाइट है गाइस इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है। एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम करना है। फिर गाइस जाना आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। फिर गाइस आपको जाना है कलर मिक्स में, यहाँ पे लेना आपको ऑरेंज कलर एंड इसका सैचुरेशन यहाँ पे माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर इतना करने के बाद आपको लेना है येलो कलर, आपको गाइस इसका जो येलो कलर है इसको थोड़ा ह्यू बढ़ाना है एंड जाना ग्रीन कलर में इसका भी ह्यू बढ़ाना है एंड सैचुरेशन बढ़ाना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है इस पर्पल कलर में, आप गाइस जो चाहो तो पिंक कलर को पर्पल कलर कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको इसको पिंक डार्क करना है तो आपको ह्यू प्लस करना है। फिर पिंक कलर में जाकर इसका ह्यू बढ़ा देना है, जो सैचुरेशन है इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है एंड यहाँ पे गाइस कर देना आपको डन।
फिर गैस जाना आपको नीचे वाला अपना फोटो की जो क्लियरिटी है गैस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गैस फोटो में विग्नेट है वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जाना यहाँ से नीचे वाले टूल में, फिर आपको फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।